डोंकी प्रोसेस डोंकी फ्लाइट की काली सच। हेलो गाइज, वेलकम बैक मेरे चैनल में स्वागत है। शाहरुख खान की मूवी डोंकी की वजह से गुजरात की जगदीश की पटेल फैमिली आजकल सुर्खियों में है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है डिंगुचा गांव। ये डिंगुचा गांव में रहते थे जगदीश पटेल की फैमिली। डिंगुचा गांव एक रहस्यमय गांव है, पता है क्यों? इधर का 50% घर जो है ना अभी वीरान पड़ चुका है, खाली हो चुके हैं। उधर रहती है तो बस रूहें, वो लोग भाग चुके हैं अमेरिका के लिए। उधर आज तक 1800 से भी ज़्यादा लोग एक ही गांव का, वो अमेरिका भाग चुके हैं। वो अपना गांव नहीं छोड़ा, अपना देश ही छोड़ चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। उधर आधा से ज़्यादा दीवार पर आपको यही देखने को मिलेगा, अगर अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, 3 दिन में मिलेगा आपको जॉब का ऑफर। ऐसे करके वो चीटिंग करके भोले भाले लोग को ठगते हैं। एक दिन जगदीश पटेल देखे उनके गांव के कुछ लोग अमेरिका को जाते हुए। उस रात वो सो नहीं पाए, फिर रात भर उनको यही टेंशन था, यही सोच रहे थे हम भी अमेरिका जाएंगे, हम भी सेटल होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बच्चों का फ्यूचर बेहतर करेंगे, खुद का फ्यूचर बेहतर करेंगे। वो पैसे से थे टीचर। वो 39 एज का जगदीश पटेल वो कितना भी काम करते थे ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 हज़ार कमा पाते थे महीने का। उतने में से उनका गुजारा नहीं होता था। उनका बेटा था, उनका एक बेटी थी और उनका मिसेज। वो फाइनल डिसीजन यही लिया कि हम अमेरिका जाएंगे। वो उनके पास जितना जमीन जायदाद घर था सब कुछ बेच दिए, जितना जिंदगी भर पैसा इकट्ठा किया था सब मिला के वो 68 लाख का इकट्ठा किया। उसके बाद वही दलाल के हाथ में थमा दिया जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया था अमेरिका का लेके जाएगा और उधर सेटल करवाएगा, वो भी डंकी प्रोसेस से। जनवरी 12 2022 को टोरंट के लिए वो कनाडा के फ्लैट में बैठ गए बीवी दो बच्चे के साथ। उधर जाके यूएस बॉर्डर में उनको उतर के पैदल जाना था अमेरिका। उधर उतरने के बाद वो अमेरिका के लिए निकल गए, लेकिन उनको ये कोई नहीं बताया था उधर का हालत कैसा है। 19 जनवरी को उनके टोटल फैमिली के साथ बस में उनका फैमिली का लाश मिला, बस के अंदर फूल दब गए थे। उनको ये कोई नहीं बताया था उधर -35 का डिग्री का जो ठंड है वो भी झेलना पड़ेगा, वो खतरनाक मंजर थोड़ा सोचिए, एक के बाद एक उनके आंखों के सामने कैसे जान गया होगा। वो सोचते होंगे काश हम नहीं आते, काश हम लीगली तरीका से आते, ये जो इलीगली प्रोसेस से वो जो यूएस का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना उसको बोलते हैं डंकी प्रोसेस, डंकी फ्लाइट। पिछले साल 97,000 इंडियन लोगों को यूएस की पुलिस ने पकड़ लिया जो डंकी प्रोसेस वाले को। उनमें से कुछ लोग जब पुलिस को देखते दौड़ते क्योंकि बहुत गलत तरीके से वो जाते हैं, उनको क्या करते पुलिस मार देते हैं गोली, कुछ लोग को लेकर पुलिस जेल में डाल देते हैं। उनमें से रिया लोग इंडिया वापस आ पाते हैं, कैसे उनके घर वाले पैसा इकट्ठा करते हैं उनको वापस लेके आते हैं, उनके मतलब सिचुएशन और ख़राब हो जाते हैं। वो पहले से सब कुछ बेच बाज के जाते हैं और ना वो उधर के रहते ना इधर का रहते, किधर का नहीं रहते, वो हालत उनका बेहतर के चक्कर में वो बदतर हो जाता है उनका ज़िंदगी। ये जो डोंकी प्रोसेस है ना पहले गुजरात में शुरुआत हुई थी, उसके बाद पंजाब, पंजाब में इसको कबूतरबाजी बोलते हैं, उसके बाद अभी तो मतलब हरियाणा में भी स्टार्ट हो गया। पैसा बे लेकिन जान गवा कर नहीं, जान बचा कर कमाइए, क्योंकि जान है तो जान है, एक ही जान भगाना आपको दिया है। आप जल्दी जल्दी चक्कर में करोड़पति बनने के चक्कर में खुद को तो ख़त्म कर ही रहे साथ में अपने को भी ख़त्म कर रहे, जो मर गए तो वो ख़त्म तो हो चुके हैं, जो जिंदा है आपके पीछे उनका सिचुएशन थोड़ा सोचिए, तो थोड़ा सब्र कीजिए, सही तरीका अपनाइए। जो आपकी तकदीर में नहीं है, ऐसा नहीं कि तकदीर के भरोसे आपको चुपचाप बैठना है, आपको कुछ करना है लेकिन सही तरीके से करना है, जल्दी चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे सच्ची कहानी देखने के लिए मेरे वीडियो को
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।